हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट पानी पूरी की पूरियां। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। पानी पूरी की पूरियां आटे की, सूजी की और मैदे की बनती है, तो आज हम इनमें से आटे की पूरियां बनाएंगे। आटे की पूरियां बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप आटा, ग्राम्स में देखा जाए तो 150 ग्राम आटा। सूजी 3 बड़े चम्मच, ग्राम्स में 30 ग्राम। और पानी आटा गूंदने के लिए। अब सबसे पहले हम आटा और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। पूरी के आटे के लिए जितना सख्त आटा हम गूंदते हैं, उससे और थोड़ा सा सख्त आटा गूंदेंगे। तो ये आटा हमने गूंद कर तैयार कर लिया है और इसे गूंदने में करीबन आधा ग्लास पानी हमें लगा है। और अब हम इसे करीबन आधा घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है और अब हम थोड़ा सा तेल लेके इसे अच्छे से एक बार गूंद लेंगे। आटे को 5 मिनट तक हमने अच्छे से गूंदा है और ये देखिए आटा बहुत अच्छा चिकना हो गया है। इस आटे को हम 2 से 3 हिस्सों में बांट लेंगे और अब एक हिस्से को लेकर हम इसे बेलना शुरू करेंगे। इसे हम एकदम पतला बेल कर तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें इस तरीके से एकदम पतली पूरी बेलकर तैयार करनी है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि पूरी हर तरफ से एक जैसी पतली होनी चाहिए। और अब हम इस तरीके से एक छोटा ढक्कन लेके इसकी छोटी छोटी पूरियां कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से एकदम छोटी छोटी पूरियां कट करके तैयार कर ली है। ये सारी कट की हुई पूरियां हम इस गीले कपड़े पर रखेंगे। दूसरे गीले कपड़े से इनको ढक देंगे ताकि ये सूख ना जाए जब तक हम इन्हें फ्राई नहीं करते। यहाँ तेल हमने गरम करने रख दिया था और तेल गरम होने पे हम इसमें एक एक कर पूरी फ्राई करेंगे। पूरी डालने के बाद इसे एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए पूरी कितनी अच्छे से फूल गई है। इसे दूसरी ओर से भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरीके से सारी पूरियां फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये सारी पूरियां फ्राई होकर तैयार है और ये कैसी बनी है ये आप खुद ही सुन लीजिए। तो ये तो बन गई हमारी परफेक्ट पूरियां, पर मैं यहाँ ये भी दिखाना चाहती हूँ कि अगर पूरियां एक जैसी पतली रोल नहीं की तो ये देखिए इस तरीके की पूरियां बनती है, जो फूलती तो है पर नीचे से एकदम मोटी रह जाती है
और दोस्तों ऐसी पूरियाँ खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। या फिर इस तरीके से जो कि पापड़ी पूरियाँ बन जाती है। तो दोस्तों टिप यही है कि आटे को एक जैसा पतला रोल करके पूरियाँ बनाइए और घर में स्वादिष्ट पानी पूरी का मज़ा लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।